गाइस तुम लोग ने ये सीन तो देखा ही होगा। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग यही सीन करने वाले रिक्रिएट। हम चलाएंगे अपनी गाड़ी को छत पे से, वो भी सोफे पे बैठ के, बट हम चलाने वाले हैं इंडियन कार्स। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं इंडियन कार्स के ऊपर एक सोफा और उसके ऊपर एक ड्राइवर को बैठाऊंगा और हम उन गाड़ियों को चलाएंगे एकदम ही डेंजरस रोड्स पे से एंड देखेंगे कि वो ड्राइवर कितनी देर तक छत पे बैठा रह सकता है। सो इफ यू गाइस आर रेडी हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गो। सो गाइस मैं आ गया हूं पहली गाड़ी लेके जो कि होने वाली होंडा सिटी, बिकॉज हमारे पिछले चैलेंज में सबसे ज्यादा लंबी चली थी गाड़ी, तो देखते हैं अब ये वाले चैलेंज में कितना चलती है। ऊपर बैठा दिया मैंने ड्राइवर को एंड हमें जाना है ये डाउनहिल चैलेंज में। जैसे कि तुम लोग देख सक रहे हो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं एंड वील सी व्हाट हैपेंस। भाई पगला रहा है ड्राइवर ऊपर एकदम, बट जितना स्मूथ चला सकता उतना स्मूथ चलाऊंगा मैं। हल्का सा बम्प, ओ नो, यहाँ पे क्या होने वाला है? अरे उड़ गया भाई, मेरा ड्राइवर उड़ गया। ओ नो भाई, शुरू होते ही खत्म हो गया, गाड़ी मेरी रोल होती जा रही है नीचे। हाय 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 हाय, आई थिंक अभी भी चल सकती है। एग्जॉस्ट फट गया बट चल रही है अभी भी। चल गाड़ी चल, कम ऑन होंडा सिटी, सर्वाइवर है ये, तुमने एस्टैब्लिश कर दिया था पिछले वीडियो में। हो गई खत्म इसकी जर्नी यहीं पे एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये होंडा सिटी फिलहाल होंडा जैज जैसी लग रही है ठुक ठुक के। और हमारा जो ड्राइवर था अनफॉर्चुनेटली ये रहा उसकी बॉडी। सोफा नहीं छोड़ा है भाई ने अभी तक, सोफे को पकड़ा हुआ है, उसका पिछवाड़ा चिपका हुआ है सोफे पे। बट यस गाइज, सो दैट वॉज होंडा सिटी एंड काफी जल्दी टूट गई यार, तो चलते नेक्स्ट गाड़ी पे एंड देखते हैं उसका क्या होगा। ओके गाइज, सो अगली गाड़ी तो मैं लेके आ गया हूँ किया सेल्टोस, देखते हैं इस पे क्या होने वाला है। एंड जितनी भारी गाड़ी हो रही है यार, मुझे लग रहा है उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है इनको कंट्रोल करने में। डाउन हिल जाते समय हल्की सी भी बम्प आती है, हल्का सा कोई धक्का पड़ता है ना सीधा, ओ यहाँ पे एक पाइप था जिसपे मैं बार बार ठुक रहा था। बस सस्पेंशन अच्छा अगर हुआ ना गाड़ी का तो आराम से निकल जाएगी। फिलहाल तो किया सेल्टोस अच्छा परफॉर्म कर दिया। ओ नो, पाइप पे लग गई, बट सोफा अभी भी अटैच्ड है समहाउ एंड ड्राइवर पकड़ा हुआ है। पकड़े रहे भाई, पकड़े रहे, पकड़े रहे ना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहे, गिरना नहीं, गिरना नहीं मेरे भाई, पकड़े रहे। ओ माय गॉड, ये बहुत तेज जा रही है यार, मैं फुल ब्रेक दबाए रखा हूँ बट तू भी उड़े जा रही है। बट ड्राइवर अभी भी घिस रहा है जमीन पे, सोफे पे चिपका हुआ है अभी भी। पकड़े रहना भाई, पकड़े रहना एकदम। नहीं, छूट गया भाई ड्राइवर, छूट गया ड्राइवर, तो गया गाइस। बट देखते हैं गाड़ी कितना दूर जा पाती है। अभी तक कंडीशन तो ठीक ठाक ही लग रही है इसकी, मतलब इतनी खराब कंडीशन है नहीं वैसे, बट अभी आगे पता चलेगा। एक टायर मेरा फट गया है पीछे वाला, बट आई डोंट नो व्हाट टू सी। ओ माय गॉड, स्लिप हो रही है बट रिकवर हो गई। ओ नो, यहाँ पे ठुकने वाली है मेरे को लग रहा है। दो टायर चले गए मेरे, दोनों लेफ्ट साइड के टायर्स गायब हैं। इंजन शायद बंद पड़ गया, अभी बस खिसकती जा रही है। तो गाइज ये गाड़ी को तो रिटायर करना पड़ेगा क्योंकि यार इसका इंजन नहीं चल रहा है। वो स्विफ्ट का फिर भी इंजन चल रहा था इसलिए हम उसको लेते गए। यहाँ पे तो बस ये गाड़ी मतलब स्लोप पे फिसलती जाएगी बिकॉज इंजन इसका काम नहीं कर रहा है। One eternity later. चल भाई, हाँ ये वाला पेड़ तो रोक ही लेगा हमें 100%, है ना। तो गाइस किया सेल्टोस की जर्नी इधर ही खत्म होती है। काफी फनी था जिस तरह से वो ड्राइवर पकड़ा हुआ था उस सोफे को एंड चिपका हुआ था हमारी गाड़ी से अलोंग विद द सोफा एज वेल, पीछे दोनों घसीटते हुए जा रहे थे, काफी फनी था वो। बट आई थिंक चलते अभी नेक्स्ट गाड़ी पे, देखते हैं उसके साथ क्या होगा। सो गाइस अगली गाड़ी जो मैं लेके आया वो एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड जैसे कि देख सकते हो ड्राइवर तैयार है, मैं तैयार हूँ। तो गाइस देखते हैं क्या होगा इस स्विफ्ट के साथ डाउन हिल पे। थोड़ा मुझे सिक्योर करके रखना पड़ा ड्राइवर। मैं बोलने लगा था कि ड्राइवर को सिक्योर करके रखना पड़ेगा वरना पहले ही उड़ जाएगा, बट वो सच्ची में उड़ गया। तो अभी बस पीछा करते हैं उस ड्राइवर का, अभी गोस्ट कार बन चुकी है ये। ड्राइवर हमारा नीचे लोटता पोटता जा रहा है, वो रहा ड्राइवर। सो देखते हैं एटलीस्ट गाड़ी कहाँ तक जा सकती है। हम स्विफ्ट, ओ यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा इसका सस्पेंशन परफॉर्म कर रहा है, बेटर देन द होंडा सिटी। होंडा सिटी तो यहाँ तो लोट पोट होते हुए गई थी, बट देखते हैं स्विफ्ट कितना आगे जा सकती है। इधर आगे काफ़ी सारे पत्थर हैं। ओ भाई उड़ी,
एक टायर फट गया है मेरा और एग्जॉस्ट सिस्टम डैमेज हो गया है, बट ओके चल 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 कम ऑन। चल सकती है अभी भी, कम ऑन भाई। बर्फ आ गई यहाँ तो भाई, चले जा रही है बस, स्लाइड होते जा रही है। ओ भाई स्पीड पकड़ ली अब तो, ओ माय गॉड क्या होने वाला है अभी। मेरे जरा भी कंट्रोल में नहीं है गाड़ी अब, मैं कुछ भी कर रहा हूँ नहीं घूम रही है। हल्की सी स्टीयरिंग दे सकता हूँ बस मैं, कुछ नहीं, थोड़ा इंजन पावर। भाई बस घूमे जा रही है तो, पीछे के टायर की देखो क्या हालत हुई है भाई। ये स्विफ्ट की क्या बिल्ड क्वालिटी है भाई, अभी भी मतलब चल तो रही है किस तरह से, तीन पहियों पे। ओ नो, चल चल भाई देखते और कितना जा सकती है, नीचे तक पहुंच गई तो। ओ माय गॉड डूड, इसको यहीं का यहीं चैलेंज विनर देना पड़ेगा, बिकॉज इट्स स्टिल गोइंग भाई, इंजन अभी भी चल रहा है, स्पीड ले ले रही है थोड़ी बहुत। चल चल स्विफ्ट, स्टीयरिंग नहीं हो रही है, आई हैव लॉस्ट ऑल स्टीयरिंग भाई, नो वे। क्या है सही में नीचे तक पहुंचने वाली है गाड़ी, वो भी बिना ड्राइवर के। गाइस ड्राइवर रह गया पीछे, स्विफ्ट अपने आप चली जा रही है बस, इट्स लाइक टार्जन द वंडर कार। मेरे को दिख रहा है पूरा एज, एंड मतलब वहां पे फिनिश लाइन। भाई ये स्विफ्ट एक्चुअली तीन पहियों पे खत्म करने वाली है पूरा का पूरा डाउनहिल कोर्स। हालत इतनी अच्छी नहीं है बट थोड़ा और यार, थोड़ा और नीचे तक पहुंच जा स्लोप के बस, थोड़ा और। क्या बात है भाई यार, ये गाइस ये स्विफ्ट ने तो दिल जीत लिया भाई, जो भी कंडीशन में है बट नीचे तक आ गई है, एंड अमेजिंग, बहुत 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 ज़्यादा कूल था ये, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना दूर आ जाएगी ये इतनी डैमेज लेने के बाद भी। एनीवेज वापस चलते हैं ऊपर और दूसरी गाड़ी लेके आते हैं। सो गाइस नेक्स्ट कार हमारी आ गई है अभी, Hyundai Creta, एंड मस्त में ड्राइवर बैठा हुआ है, तो चलते हैं डाउनहिल एंड देखते हैं क्रेटा कैसा परफॉर्म करते हैं इस डाउनहिल चैलेंज में। भाई बस ड्राइवर ये संभल जाए ना हमारा। नहीं 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 नहीं, पकड़ के रख गाड़ी को, पकड़ के रख भाई, भाई भाई गाड़ी को पकड़ के रख, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोफे को पकड़ के रहना भाई, कम ऑन क्रेटा भाई, स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है भाई, उछल रहा है बंदा आगे। नो 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 जंप नहीं, आय हाय खत्म भाई, ये तो बहुत बुरा हो गया, गाड़ी भी मतलब ऐसे फंस गई है भाई, एकदम जमीन के अंदर धस गई है ये रैंप के ऊपर, फ्लैट एकदम लैंड हुई एंड पूरा का पूरा उसका फ्रंट एकदम चिपक गया उससे। बाकी ड्राइवर का हाल तो तुम लोग देख ही सकते हो भाई, फुल स्प्लिट में इधर बैठा हुआ है पड़ा हुआ बेचारा, बहुत तेज उड़ा है दूर जाके, वी लॉस्ट हिम। तो आई गेस दैट्स इट फॉर Hyundai Creta एंड चलते हैं अभी नेक्स्ट गाड़ी पे। ओके गाइस, तो अगली गाड़ी में लेके आ गया Hyundai i20, मुझे तो यार ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है, देखते हैं अभी इसमें होगा क्या, बट ड्राइवर मेरा एकदम तैयार है, हिल रहा है इधर उधर। एक तो छोटी गाड़ी की ना देखो मैन्यूवर ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं, लेफ्ट राइट टर्न फटाफट हो जाती है, तो मेरे को बस संभाल के चलाना है, थोड़ा ब्रेक्स लगाऊंगा इधर। यार ये पाइप से बहुत ज्यादा उछलती है गाड़ी, धीरे धीरे जाते हैं पाइप के ऊपर से। ओके नाइस, ब्रेक्स अच्छे है भाई i20 में, वो अच्छी बात है, मुझे तो बहुत पसंद है i20 गाड़ी गाइस। तुम लोगों को बताओ, तुम बताओ मुझे कैसी लगती है तुम लोगों को गाड़ी, अभी तक तुम लोगों ने जितनी गाड़ियां की उसमें से तुम्हारी सबसे फेवरेट कार कौन सी है, एंड इन जनरल तुम्हें यार BMG में कौन सी इंडियन कार्स देखनी है मेरे को जरा कॉमेंट्स में बताना हो। ओके भाई चल रही है मस्त, बढ़िया चल रही है। ड्राइवर पकड़े रहे भाई, पकड़े रहे जोर से, कस के पकड़े रहे सोफे को, वरना उड़ जाएगा भाई। अच्छा आगे पत्थर वाला रास्ता है यार, यहाँ पे हमेशा दिक्कत होती है, ट्राई करता हूँ जितना स्लो। सो ड्राइवर फिलहाल हमारा फ्लिप होके पीछे आ गए, बम्पर उड़ गया है एंड सोफा भी थोड़े ही आई थिंक एक बार से बस चिपका हुआ है। लटके रहना भाई ड्राइवर, लटके रहना, जाना नहीं कहीं पे, तुझे नीचे तक लेके जाऊंगा मैं। अरे रे ये क्या भाई, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मात देगी इधर। ओह नो, आई थिंक इंजन डैमेज हो गया गाइस, और फिर ड्राइवर खड़ा हुआ है इधर। आई थिंक यहाँ पे जो ब्लॉक्स है ना बहुत ज्यादा ऊंचे हो गए i20 के लिए, बिकॉज पूरा इंजन पे मेरे सीधा डैमेज है, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे आगे जो रेडिएटर है ना सीधा वहीं पे लगी है गाड़ी को। बट यार हमारा ड्राइवर आई थिंक ठीक है, खड़ा हुआ यार आराम से, आई डोंट थिंक उसको कुछ भी हुआ है, एकदम बैडएस, एकदम अजय देवगन जैसे गाड़ी के बाहर निकला है वो।
तो आई थिंक ही इज ओके, बट गाड़ी कहीं नहीं और जा पाएगी, तो चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे. ओके गाइस, तो अगली गाड़ी जो मैं लेके आया वो एक पोलो. एंड यार पोलो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड छोटी गाड़ियों में इसलिए ट्राई कर रहा हूँ यार उसमें, बिकॉज मज़ा आ रहा है. जितनी भी बड़ी गाड़ी जितनी ज़्यादा हो जा रही है ना, फिर मेरे कंट्रोल के बाहर चली जाती है, बिकॉज इतनी भारी गाड़ी और डाउनहिल में एकदम खराब हो जाती है, उसके पूरा कंट्रोल चला जाता है. सो वी आर ट्राइंग इट विद स्मॉलर कार्स एंड उनसे आई थिंक बेटर परफॉर्म होएगा, उससे ज़्यादा देर तक ये ड्राइवर चिपका हुआ रह सकता है और कंट्रोल भी मेरे हाथ में रह सकता है. सो देखते हैं यार ये पोलो कितना दूर जाती है. मुझे तो बहुत ज़्यादा पोलो पसंद है यार, मैंने इसी पे ड्राइविंग सीखी थी, फोक्सवैगन पोलो पे. फिलहाल तो मस्त चल रहा है, ड्राइवर अपना कंफर्टेबली बैठा हुआ है, थोड़े हल्के से झटके लग रहे हैं उसकी गर्दन में, बट सब ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है. तो ओ भाई 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 भाई, थोड़ा सा इधर पत्थर का एरिया डिफिकल्ट हो जाता है. एंड गया, मैंने तो बोला यार ये पोलो. ओ नो, टायर चला गया भाई, दोनों आगे के टायर के ख़त्म हो गए एकदम. ओल्डर ड्राइवर, ड्राइवर को बचाओ, रुक जा ड्राइवर. ओह नो, ड्राइवर रुक गया, गाड़ी नहीं रुक रही. बढ़िया गाइस, पोलो भी ठुक के यार खराब होगी, ये कौन सी गाड़ी कर पाएगी यार, इसको देखना पड़ेगा हमें. तो एनीवेज गाइस, इंडियन कार्स तो नहीं परफॉर्म कर पा रही है ये वाले ट्रैक पे, इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है ये. तो चलते हैं वो गाड़ी में जो मैंने तुम्हें कहा था कि वीडियो के एंड में दिखेगी, एंड देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करेगी. तो गाइस अभी आ गए हम लोग हमारी फाइनल कार में, बट इस कार में कुछ तो एक चीज़ स्पेशल है. अगर तुम लोग देख सकते हो तो इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें नॉस लगा हुआ है पीछे. नॉस की तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें, बट देखते हैं क्या ये जायंट कार डाउनहिल पहुँच सकती है. ये सारे मतलब जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं काफ़ी ईजिली क्लियर तो कर ले रही है, सबके ऊपर से चली जा रही है. एंड यप, आई डोंट थिंक इसको. ओ भाई नहीं, हेलो, अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, मेरा प्लान ये नहीं था भाई, प्लान तो ये था कि इसको नीचे तक पहुंचा देंगे. सो आई गेस यार मेरी चीट कार भी काम नहीं की यार, ये मैप बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. आई डोंट थिंक मेरी कोई भी गाड़ी इस मैप को क्लियर कर पाएगी. अगर तुम्हारे पास कोई सजेशंस हैं या कोई आइडियाज़ हैं कि ये गाड़ी ट्राई करो शायद ये मैप को क्लियर कर लेगी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, फिर मैं चेक करूँगा. गाइस बड़ी गाड़ी तो ट्राई कर ली, एक बार एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल गाड़ी भी ट्राई करके देखते हैं क्या ये पहुँच पाएगी एंड तक. भाई स्पीड तो बहुत ज़्यादा पकड़ रही है, बट सारे ऑब्स्टिकल्स इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए भाई, ये स्पिन बहुत ज़्यादा हो रही है. कम ऑन छोटी गाड़ी दिखा दे भाई, इससे छोटी तो गाड़ी हो नहीं सकती है. सो आई डोंट नो कि ये कितना दूर जा सकती है, बट लेट्स सी. भाई इसके लिए छोटे छोटे पाइप्स भी रैंप बन गए हैं. यप, रिमोट कंट्रोल कार भी नहीं कर पाई, इंजन खराब हो गया. गाइस दैट मींस ये ट्रैक, ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था एंड मेरी सारी गाड़ियों ने फेल कर दिया. सो गाइस दैट वाज इट फॉर द वीडियो. अगर तुम्हें मजा आया इस वीडियो में तो मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करके बताओ यार कि मज़ा आया है ना, और अगर वीडियो पूरा एंड तक देखा तो लाइक भी कर लेना, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. एनीवेज आई होप यू गाइस एंजॉयड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय.